पुलिस ने युवती की शिनाख्त करिश्मा सिंह यादव के रूप में की थी। वो फिरोजाबाद की एक स्कूल में टीचर है। अब तमंचे के साथ पकड़ी गई युवती से जुड़े गंभीर रहस्य सामने आए हैं। पहले बात करते हैं करिश्मा सिंह यादव की। दरअसल मंगलवार को मैनपुरी पुलिस ने एक युवती को पकड़ा। आरोप था कि उसके पास एक देसी पिस्तौल है। जब पुलिस ने युवती की जांच की तो उसकी जींस से देसी तमंचा बरामद किया गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी मंगलवार को मैनपुरी पहुंची थी। इसी दौरान हथियार के साथ घूमने की सूचना मिली। इसके बाद पुलिस ने युवती की तलाशी ली और गैर कानूनी हथियार को जब्त किया। इस समूचे मामले से जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि एक महिला कांस्टेबल टीचर की तलाशी ले रही है। तलाशी के दौरान नीले रंग की जींस में दिख रही महिला टीचर की जेब से देसी पिस्तौल निकलता है। यह घटना मैनपुरी के थाना कोतवाली क्षेत्र के जेल चौराहे की है। मंगलवार की दोपहर पीठ पर बैग टांगे एक युवती सॉफ्ट ड्रिंक पी रही थी। इसी दौरान पुलिस को खबर मिली कि युवती तमंचा लेकर खड़ी है। इसके बाद पुलिस टीम पहुंची। महिला कांस्टेबल ने जब युवती की तलाशी ली तो उसकी कमर से लगा तमंचा बरामद हो गया। युवती ने पुलिस को बताया कि उसके माता पिता की मौत हो चुकी है। परिवार के लोग उसकी जमीन हड़पना चाहते हैं, उसकी हत्या करना चाह रहे हैं, इसलिए अपनी सुरक्षा को देखते हुए वो तमंचा लगाकर चलती है। दूसरी तरफ युवती के बारे में उसकी दादी ने हैरान करने वाली सच्चाई बताई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक युवती की दादी ने कहा है कि उसने अपने पिता की हत्या कर दी। वो हर समय तमंचा अपने साथ रखती है। उनका दावा है कि युवती के मामा ने ही उसे मैनपुरी में पकड़वा दिया। अब इस पूरे मामले की सच्चाई क्या है, पुलिस उसका पता लगा रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही।